ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आभार है। आप जो प्यार सपोर्ट आपके चैनल को कर रहे हैं, दिल से धन्यवाद आपका। भोलेनाथ आपको हमेशा खुश रखें, मेरी बस यही दुआ है। पांच लोगों से इन आपको कभी भी किसी भी हालात में मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि मदद हम कब मांगते हैं? जब हमारे हालात परिस्थितियाँ सही नहीं होती है और हम फिर मदद मांगते हैं, या हम किसी खराब हालात से बाहर निकलने के लिए मदद मांगते हैं, लेकिन उस दरमियान हम एक गलती कर देते हैं। इन पांच लोगों में से किन्हीं लोगों से यदि हम मदद मांग लेते हैं तो हमारी परेशानी और बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में जानते हैं कि ये पाँच लोग कौन हैं जिनसे आपको मदद नहीं मांगनी चाहिए। उससे पहले एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें और वीडियो को अभी ही लाइक कर दें। इसके अलावा दोस्तों, अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस लागू है। सबसे पहले वो लोग जो लोग आपकी मदद का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जैसे जो लोग मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं ना, आपको पता होता है आपके परिवार में कि उन लोगों ने किस तरह से मजबूरी का फ़ायदा उठाया। तो जो लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले हैं, ये आप पहले से जानते हो उन्हें, ऐसे लोगों से कभी मदद मत मांगना दोस्तों, क्योंकि आपके इन खराब हालातों की, इन मजबूरियों का वो कभी ना कभी दुरुपयोग जरूर करेंगे और बाद में हम यह सोचेंगे कि वो हालात ही खराब अच्छे थे ऐसी मदद से। तो ऐसे लोगों से सावधान। दूसरे, वो लोगों से कभी मदद मत मांगना जिनकी नीयत साफ नहीं हो। नीयत जिनकी साफ नहीं होती ना, उनसे कभी मदद नहीं मांगी जाती दोस्तों। तो ऐसे लोगों से सावधान आपको रहना चाहिए। तीसरे, वो लोग जिन लोगों से आपकी विवादित स्थितियां हैं, लड़ाई है, आपके शत्रु हैं, शत्रु से भी कभी मदद नहीं मांगी जानी चाहिए और नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि शत्रु ऐसे हालातों का इंतजार ही करता है कि कब ऐसे सिचुएशन में हम आगे बढ़े। तो कभी भी शत्रु से हमें नहीं मांगना चाहिए। चौथी बात, कोशिश करें, ऐसा बहुत कम होता है पर कोशिश करें, ये पॉइंट को मैं 80% तक ही रखूँगा, रिश्तेदारों से भी आप मदद मांगने में जितना हो सके बचें, क्योंकि रिश्तेदारों में होता ऐसा है ज़्यादातर लोगों के साथ कि रिश्तेदारी में मदद करने के बाद पूरे रिश्तेदारों में एक अलग सी नेगेटिव छवि बना देते हैं उनके बारे में, हालात सबके ख़राब होते हैं और अलग सी बात होती है। हर एक रिश्तेदार ऐसा नहीं होता है पर ज़्यादातर लोगों में 10 में से 8 लोगों के साथ यही होता है। 2 लोग अपवाद स्वरूप ऐसे होंगे जिनके रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, उनकी मदद करते हैं, उन्हें बाहर निकालते हैं। तो इन लोगों से हमें मदद नहीं लेना चाहिए। अगर अच्छा हो तो लाइक करना। ओम नमः शिवाय।